उधर असदुद्दीन ओवैसी ने वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात कर कार्रवाई का मुतालबा किया है। ओवैसी ने हालिया किताब के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। किताब में मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है, मुतालबा किया है। आज हम MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहसत रुकने पार्लियामान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज काउंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिका उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमने उस किताब के बाद इख्तसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन सी और YPC में केस बुक किया जाए और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयकुन दिया है कि फौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत केस क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी।